अब मिनिमलिस्ट स्किन के ब्रांड के काफी प्रोडक्ट्स बड़े ही सही हैं और इनकी सनस्क्रीन बड़ी हाइप में रहती हैं हमेशा और मैं इस वीडियो में इनकी एक काफी ही पॉपुलर सनस्क्रीन की बात करने वाला हूं जो कि है मिनिमलिस्ट सनस्क्रीन सो क्या ये सनस्क्रीन वाकई में इफेक्टिव है या वर्थ इट है वेल वॉच दिस वीडियो टू फाइंड आउट सो मुझे इस सनस्क्रीन को यूज करते हुए ऑलमोस्ट हो चुके हैं दो महीने और मैं इस वीडियो में काफी ही ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाला हूँ आई विल शेयर बोथ द प्रोज एंड कॉन्स एसेंशियली द कॉन्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने लोगों के लिए ताकि वो

और इसको एबजॉर्व होने के लिए कुछ मिनट्स के लिए छोड़ दो एंड आई नो कितना रेयर है इंडियन सनस्क्रीन मेंब्सॉर्बन फैक्टर ढूंढना वेल इस सनस्क्रीन में वो इशू नहीं है रियली क्विक एंड रियली रिली योर स्किन इन जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट एंड ये आई नो किसी को भी भूत जैसा मुंह लेके बाहर नहीं निकलना होता वेल डोंट वरी ये सनस्क्रीन लगाने के बाद कोई भी व्हाइट कास्ट या येलोविश कास्ट नहीं छोड़ती इस मामले में टेक्स्टर के मामले में फील के मामले में अपियरेंस के मामले में ऑन अब की बात हो गई लेकिन एक अच्छी सनस्क्रीन सिर्फ

लेकिन एवर सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग द सैंस्क्रीन मुझे ऐसे कोई भी इश्यू नहीं हो रहा है माय स्किन इज वेल प्रोटेक्टेड और डेट्स गुड न्यूज एंड ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सैंस्क्रीन में कुछ ऐसे फिल्टर्स कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स चंजर में कि पॉसिबल फॉर द सैंस्क्रीन टू एंजॉ फॉर एग्जाम्पल आप किसी और स्टोर में गए एंड यू हैव सीन अस्कट सी प्रॉमिसिंग जस्ट मेक श्योर उसमें ये चार इंग्रीडियंट हो चारों काफी मैक्सिमम ये ये प्रोटेक्शन से यूज करो एंड से अच्छी so, बस कुछ सिंपल चीजों का ध्यान देना है एंड कुछ बेसिक टिप्स को फॉलो करना है पहला सनस्क्रीन को बाहर निकलने से मिनिमम बीस मिनट पहले लगाओ अगर आप आधे घंटे पहले लगा सकते हो देन तो फिर क्या ही कहना सेकेंड सनस्क्रीन

यूज uh, करने की जरूरत नहीं है इट हैज मॉइस्चराइजिंग एजेंट विद इन इट जो कि काफी हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग है लेकिन हाँ अगर आपकी स्किन है नॉर्मल ड्राई या वेरी ड्राई तब आपको इस सनस्क्रीन के साथ एक मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ेगा ऑल्सो द सनस्क्रीन इज फ्री फ्रॉम एनी काफ़ फ्रेगरेंस तो इफ़ यू हैव माइग्रेन या आपको इश्यू है बेसिकली ओवर पावरिंग फ्रेग्रेंसेज से प्रोडक्ट्स में देन यू आर सॉटेड बिकॉज इसमें कोई भी एडिशनल फ्रेग्रेंस नहीं है

स्वेट प्रूफ या वॉटर प्रूफ नहीं है जरा सा भी पसीना आया जरा सा भी पानी लगा ये सनस्क्रीन वहीं पे पाइपऑफ हो जाएगी सो इसका मतलब ये कि ये सनस्क्रीन सिर्फ सही है ड्राई वेदर के लिए लाइक विंटर्स का वेदर उसके अलावा इस सनस्क्रीन को आप मत यूज करो आई मीन अगर ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है तब आप कही न कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो लेकिन ऑयली कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव या आखने स्किन वालों को ये सनस्क्रीन हॉट ह्यूमिड या समरी कंडीशन में बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए यू कैन गिव इट अ अट इन विंटर्स बिकॉज उस सीजन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी लेकिन अभी यहाँ मौसम काफ़ी सही है काफ़ी कूल cool है सो मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही लेकिन आई एम श्योर कि जब मौसम गर्म होगा तो ये सनस्क्रीन काफ़ी ही बुरे इफेक्ट्स देने वाली है सो मेक श्योर कि आप इस चीज का ध्यान रखो टू मेक अ डिसीजन ऑन वेदर और नॉट यू शुड बाय दिस सनस्क्रीन आई वुड वेदर रिकमेंड कि आप यूज करो मिनिमलिस की एसपीएफ फिफ्टी सनस्क्रीन बिकॉज वो काफी लाइट वेट है लाइक like इससे भी ज्यादा लाइट वेट है एंड वो हर तरह के मौसम में हर तरह के कंडीशन में काफी अच्छे से काम करती है बिना कोई साइड इफेक्ट दिए और क्योंकि वो एस पी एफ पचास है तो वो काफी सही सन प्रोटेक्शन भी दे रही है सो गाइज दिस वॉज इट दिस वॉज माई क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिव्यू ऑन मिनिमल एस पी एफ सिक्सटी सनस्क्रीन आई होप की वीडियो आपको काफी हेल्पफुल एंड एनसाइटफुल लगी हो एंड uh, नीचे है लिंक इसका चेक इट आउट तो आप नीचे जाके उस लिंक से इस सनस्क्रीन को परचेज कर सकते हो एंड आल्सो द लिंक टू द एस पी एफ सनस्क्रीन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो आल्सो कोई भी क्वेश्चन है डाउट है रिकमेंडेशन है सजेशन है कुछ पूछना है इसके बारे में या जनरली किसी चीज के बारे में लीव अ कॉमेंट डाउन आई वुड श्योरली हेल्प यू आउट सो दिस वॉज इट फॉर नाउ आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लेट्स एंड थैंक यू सो मच much for watching this video.